हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ENT गुड़गांव.com। आई एम डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT कंसल्टेंट एट मेयो हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम आप लोगों से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करेंगे, जिसे हम कहते हैं खर्राटे। खर्राटे यानी कि स्नोरिंग ऑलमोस्ट हर घर में प्रेजेंट होती है। कई बार हम देखते हैं बूढ़ों में होती है, कई बार हम देखते हैं बच्चों में होती है, और इसके अलग अलग कारण होते हैं। अक्सर हम स्नोरिंग को इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं ये तो मजाक की बात है, और अक्सर हम इसकी दलीलें भी देते हैं। जैसे इतने सालों से हम कहते हैं कि कुंभकर्ण की तरह सो रहा है या घोड़े बेच के सो रहा है, और अक्सर हम इससे ये तात्पर्य निकालते हैं कि बहुत गहरी और बहुत अच्छी नींद में सो रहा है। पर क्या खर्राटों में आने वाली नींद बहुत अच्छी होती है या बहुत गहरी होती है? आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो पेशेंट बहुत जोर जोर से खर्राटे मार के सो रहा होता है, अक्सर वो डीप स्लीप में जा ही नहीं पाता है। उसके वजह से जब रात भर वो सोता है तो उसे जो क्वालिटी ऑफ स्लीप आनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसके वजह से जब वो सुबह उठता है, अक्सर वो थका हुआ फील करता है, हाथ पैरों में दर्द का उसे एहसास हो सकता है, और उसे दिन में भी बार बार नींद जैसा एहसास होता रहता है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हमारा जो सांस का रास्ता होता है हमारे नाक से शुरू होता है, हमारे नाक से होते हुए गले में जाता है, गले में होते हुए हमारे वॉइस बॉक्स में और हमारे फेफड़ों में हवा अंदर जाती है। अगर इस रास्ते में कहीं भी रुकावट हो तो हमें इसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होने लगती है, और जब हवा इसी रुकावट के थ्रू जाती है तो इसमें घरघराहट आने लगती है, जिसको हम खर्राटे का नाम देते हैं। कभी कभी ये घरघराहट इतनी ज़्यादा होने लगती है जिसे हम लाउड स्नोरिंग कहते हैं, और कभी कभी ये घरघराहट बीच बीच में कंप्लीट ब्लॉकेज होने की वजह से रुक जाती है, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। आइए तो जानते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कैसा होता है। अक्सर हम देखते हैं जब लोग सोना शुरू करते हैं, और ये लोग अक्सर मोटे होते हैं या इनमें गले के तारों तरफ ज़्यादा चर्बी होती है, कई बार इसमें थायराइड की परेशानी या डायबिटीज़ की परेशानी हो सकती है, और ये अक्सर इस तरह के लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, और जब अल्कोहल पीने की वजह से हमारे गले की आपस की जो नसें होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो ढीली पड़ जाती हैं, और उसकी वजह से जब हम सोते हैं तो हमारा जो सांस का रास्ता होता है, जो कि एक मांसपेशियों की ट्यूब के ज़रिए बना हुआ होता है, वो कोलैप्स करने लगता है, जिसके वजह से जब पेशेंट सोता है तो ऐसे के खर्राटे खींचता रहता है। जब भी ये खर्राटे खींचता रहता है, धीमे धीमे हमारी जो गले के रास्ता होता है सांस का, वो टोटली ब्लॉक होने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं खर्राटे रुक जाते हैं, जैसे कि, और थोड़ी देर के बाद जब इस तरह से करके पेशेंट जाग जाता है और अपना गला साफ करने लगता है, और जो बेड पार्टनर होता है, जो साथ में सो रहा होता है, वो घबरा जाता है और देखता है कि ऐसे पेशेंट को वो हाथ से हिला के जगा दे। ये साइकिल रात में कई कई बार हो सकती है, और जब भी ये साइकिल होती है इसका मतलब मरीज का सांस रुक रहा है। मरीज के सांस के रुकने की वजह से उसमें जो खून का बहाव होता है, जो हमारे ब्रेन में जा रहा होता है, जो हमारे हार्ट में जा रहा होता है, उसमें कमी आ जाती है, और कमी आने की वजह से कई बार रातों रात सोते सोते हमें हार्ट का अटैक या फिर ब्रेन का अटैक, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, ये भी हो सकता है। तो हम जानते हैं स्लीप एपनिया या स्नोरिंग से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे जरूरी तो इसके बारे में जागरूक होना है। अगर आपके पास घर में कोई भी ऐसा सदस्य है या कोई दोस्त है जो बहुत जोर जोर से खर्राटे लेता है, तो उसको जरूर आप लोग ENT डॉक्टर के पास इवेल्युएशन के लिए लाएं। सबसे पहले जब हम